राखी मैम ओके चलो रोल एक्शन राखी जी सबसे पहले जानना चाहेंगे बब्बू जी के इस म्यूजिक सिंगल एल्बम पे हम सभी यहाँ पे प्रेजेंट है बारिश के बहाने आप भी यहाँ पर आप बताइए कि क्या कहते हैं आपका थॉट बारिश के बहाने डीजे शेजवुड ने जो म्यूजिक दिया है इसमें इट्स अमेजिंग म्यूजिक और बब्बू मान जो पंजाब के लेजेंड सिंगर है और इनकी वॉइस तो पूरी दुनिया जानती है इज़ अ नंबर वन सिंगर और ये वीडियो बहुत अच्छा बना है ऑडियो बहुत अच्छा बना है और भाई के साथ तो डीजे शेजवुड इज़ माई ब्रदर तो उनके साथ तो मेरा तो पुराना रिश्ता है और जब भी वो कोई म्यूज़िक बनाते हैं तो कमाल करते हैं गाना सुना वीडियो देखा और आई एम श्योर कि लोगों को ये बारिश के बहाने बारिश जो अभी हो रही है तो लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगा एंड ऑडियो तो डेफिनेटली बहुत पसंद आएगा राखी जी मेरा एक आखिरी सवाल ये कि हमने बिकॉज डीजे शेजवुड ने मेरे हादसा से लेकर मेरे पंजाबी सॉन्ग्स मेरे हिंदी सॉन्ग्स सारे सॉन्ग्स सुपर डुपर 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 हिट दिए हैं मेरा एक आखिरी सवाल ये कि योगा डे के मौके पर आपकी जो तस्वीर आई थी लोग उसे बहुत ही ट्रोल्ड कर रहे हैं और कई सारे बातें बना रहे कि ये राखी जी किस तरह से योगा है या आपने देखा होगा सब कुछ आप बताइए कि क्या जब इस तरह से लोग कमेंट करते हैं तो क्या टेक होता है आपका क्या क्या कमेंट करते हैं लोग योगा नहीं करना चाहिए सिर्फ योगा सिर्फ एक ही टाइप का योगा होता है इसे नीचे धोती पहन के बैठ जाओ और स्टमक अंदर बाहर करते रहो प्राणायाम करते रहो वो उस टाइप का योगा नहीं होता और भी डिजीज है आजकल तो सब जो हॉट योगा का मतलब है जो जीएसटी का जो टैक्स निकला है जीएसटी वो हमारे योगा में जो जीएसटी का जो टेंशन है वो भगाता है हमारा हॉट योगा जीएसटी से खुश हैं आप मेरे खुश होने से कौन सा खुश हो या नहीं अभी तो कोई कैसे खुश हो सकता है जीएसटी से तो कुछ कहना चाहेंगे सब टेंशन में डिसीजन से कि लोग खुश नहीं है आप बताइए आप नहीं नहीं मैं क्यों बताऊं मैं अभी क्यों मुझे तो अभी सेलिब्रिटी तो आपका टेक मैं तो अपने बारे में बता सकती हूं आप खुश नहीं करेक्ट चलेगा तो मोदी जी के ही चलेगा हमारा तो कुछ देखो मैं राखी सावंत खुश हो या ना हो चलनी तो मोदी जी की ही है है ना अब जीएसटी आ जाए या फिर कुछ और बीएसटी आ जाए कुछ भी आ जाए हां तो सारी चीजें तो जो मोदी जी चाहते हैं देश को बताने कहाँ से कहाँ ले जाना चाहते हैं मुझे नहीं पता कहाँ ले जाना चाहते हैं देश को आई डोंट नो लेकिन वो यहाँ पर जीएसटी लॉन्च करके वो इजराइल में है तो आप मानते कि ये मुझे पहले लगा जीएसटी मतलब गाने पे मस्ती मुझे ऐसा लगा अच्छा। तो मुझे ऐसा लगा मैं मुझे लगा कोई मस्ती कर रहा है जीएसटी का मतलब वो अब बता आपने बताया तो पता चला जीएसटी तो वैसे भी सबकी जीएसटी तो सबकी बुछ लगाने वाली है नहीं मेरा सवाल ये था कि मोदी जी जीएसटी लॉन्च करके इजराइल में सही कदम है उनका लोग यहाँ पे परेशान अच्छा इसराइल में है मोदी जी तो बैप्टिज्म लेने गए हैं तो अगर जीएसटी यहाँ पे लॉन्च करके इसराइल गए हैं क्यों मोदी जी मतलब क्यों ऐसा कर रहे हैं इसराइल जाना मतलब अपने यू नो इंसान पवित्र होके आता है वहाँ से